नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नए ब्लॉग में। आज क्रिसमस का दिन है और आज घूमने का मन हो रहा था, तो हमने सोचा क्यों ना एक और नया ब्लॉग बनाया जाए। तो हम गए सेंट्रल मॉल और वहां जाने के बाद एक अलग ही अनुभव। तो आज के ब्लॉग में हमने बहुत एंजॉय किया और खाने के लिए हमने कोल्ड ड्रिंक और बर्गर ऑर्डर किया। कोल्ड ड्रिंक और बर्गर को खाने के साथ साथ हमने एक दूसरे से काफ़ी बातें शेयर की और मजाक मस्ती भी की। आपस में गपशप लगाने के बाद हम गए बुक स्टोर और वहाँ अलग अलग बुक देखने के बाद एक अलग ही माहौल बन गया। इसके बाद हम गए गेमिंग जोन और गेमिंग जोन एंटर करते ही लोगों की भीड़ और बच्चों के अंदर गेम खेलने के प्रति अलग ही उत्साह दिखा और साथ ही साथ क्रिसमस के लिए लोगों के अंदर भी उत्साह देखने को मिला। तो पूरी वीडियो देखने के लिए ब्लॉग में बने रहें। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं ब्लॉग। तो दोस्तों, फाइनली हम पहुंच चुके हैं सेंट्रल मॉल और आज क्रिसमस डे भी है, तो देखते हैं सेंट्रल मॉल में क्या खास होता है क्रिसमस के दिन। वैसे देहरादून का सबसे बड़ा मॉल है, तो चलते हैं अंदर दिखाते हैं आपको। दोस्तों देख सकते हैं आप सेंट्रल मॉल का, हम ग्राउंड फ्लोर में आ चुके हैं। ये आप देख सकते हैं भाई साहब कितना खतरनाक है। जा रखा है और म्यूजिक भी आप सुन सकते हैं। टॉप है भाई साहब कितना खतरनाक है ना। जैसे कि मैंने इसका नाम सुना था, यहाँ पे काफ़ी महंगी कॉफ़ी मिलती है और भीड़ आप देख सकते हैं दोस्तों कितनी खतरनाक भीड़ है क्रिसमस के दिन। और अब हम जा रहे हैं ऊपर, तो अंदर का माहौल इतना अच्छा है, आप देख सकते हैं कितने लोग यहाँ पे आ रखे हैं क्रिसमस के दिन। लोग क्रिसमस मना रहे हैं और मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पे आया हूँ, तो मुझे बढ़िया लग रहा है। और आई थिंक हम ऊपर जाने की कोशिश करेंगे, जब वहाँ पे जाने की कोशिश करेंगे जो सबसे ऊपर है। ये आप शॉप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे कितनी बढ़िया शॉप, कितने अच्छे कपड़े यहाँ पे लगाए गए हैं। आई थिंक मुझे लग रहा है कि पैसिफिक मॉल से बताइए कैसा लग रहा है आपको। तो दोस्तों देख सकते हैं आप सेंट्रल मॉल में आज क्रिसमस के दिन कितने लोग घूमने आए हैं और ऊपर से आज संडे भी है, तो लोग फंडे भी कर रहे हैं, संडे इज फंडे। तो दिखाते हैं आपको आगे का लोकेशन सेंट्रल मॉल का। देखते हैं 50% ऑफ यहाँ पे कपड़े मिल रहे हैं, मुझे लगता है काफ़ी अच्छे कपड़े मिल रहे हैं, सस्ते कपड़े मिल रहे हैं। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं शूज़ वगैरह की शॉप यहाँ पर मौजूद है। ये कपड़े यहाँ पे आप देख सकते हैं। दोस्तों अभी जा रहे हैं कुछ खाने, क्योंकि मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया, अभी लगभग दिन के 2 या 2.5 बज चुके हैं। तो अभी हम कुछ खाएंगे, कुछ ऑर्डर करेंगे, उसके बाद हम आगे दिखाएंगे आपको सेंट्रल मॉल में क्या क्या यहाँ पे। अभी हम आ चुके हैं खाने के लिए, लेकिन आप भीड़ देख सकते हैं यहाँ पे कितनी ज़्यादा भीड़ है। मेरे ख्याल से यहाँ बैठने के लिए जगह नहीं मिलेगी। तो दोस्तों बड़ी मुश्किल से हमें सीट मिली यहाँ पे, आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा भीड़ थी। तो अभी हम कुछ ऑर्डर कराएंगे, मंगवाते हैं अभी कुछ, है ना, दिखाते हैं थोड़ी देर। ये आप डिजिटल ऑर्डर यहाँ पे कर सकते हैं, जैसे वेज है, चिकन, चिकन का देख लें कुछ, जैसे बिग स्पाइसी चिकन वाला, ये वाला कैंसिल करते हैं इसको, इसको कैंसिल कर। तो अभी हमने मंगाया है अपने लिए बर्गर, चिकन बर्गर और नॉर्मल बर्गर मंगाया था। तो दोस्तों हमने मंगाए थे कोक, फ्रेंच फ्राइज और 2 बर्गर मंगाए थे। अभी और ऑर्डर आने वाला है, तो हमें वेट कर रहे हैं थोड़ी देर, है ना। दोस्तों हमने मंगाई थी 2 कोल्ड ड्रिंक और 1 फ्री मिल रही है। तो मोटे क्या कहना चाहोगे आप इस खुशी के बारे में, अब कितनी खुशी हो रही है आपको? चलो एक बार टेस्ट कर लो जरा, कैसा लगता है आपको?
मैं भी ट्राई करता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों मैंने मंगाया था चिकन बर्गर, देखते हैं इसका टेस्ट कैसा है। बढ़िया है, बहुत अच्छा है। तो मोटी क्या कहना चाहोगे आप? उम्मीद से ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा भीड़ है। क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे आप, कितनी ज़्यादा भीड़ होगी? इतनी ज़्यादा वो नहीं कर रहा था। अच्छा, और बट्टी भाई अपने फ़ोन में छेड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप? ओ, मुझे शूट कर रहे हैं। चलो ठीक है, आप शूट करते रहो, तब तक हम मोंटी से पूछते हैं कि क्या नया लगा आपको यहाँ पे, आप फर्स्ट टाइम आ रहे हैं। यहाँ पे बहुत कुछ नहीं है, देखो यही और इतना लगा। ये मॉल उतना ही बड़ा होगा जितना कि पैसिफिक मॉल है। नहीं, आई थिंक पैसिफिक मॉल से थोड़ा बड़ा है, क्योंकि देहरादून का सबसे बड़ा मॉल यही माना जा रहा है। मुझे तो उतना ही लगा पैसिफिक मॉल से। आपको क्या लगता है, पैसिफिक मॉल इससे ज़्यादा बड़ा है या इससे छोटा है? आज वो इंटरटेन गाना भूल गया। तो इनका कहना है कि पार्किंग इनको बेस्ट लगी है। बिल्कुल, मुझे तो ऐसा लग रहा था कि कहीं हम नीचे ना चले जाएं कहीं। लग रहा था कि एक रूम ले लूं मैं, आपसे रूम। एक बार को तो मुझे ये लग रहा था कि बड़कुर रास्ता यहीं से निकलेगा शायद। यहाँ पे हेयर वगैरह कटिंग होती है, तो पूछते हैं कि वॉइस कटिंग कितनी है। दोस्तों अभी हम हेयर कट का पता करने गए थे, उन्होंने कहा कि 500 रुपये यहाँ पे जेंट्स का कटिंग है। अगर कोई चाहता है कि हेयर कट यहाँ पे करवाना चाहता है तो 500 रुपये में यहाँ पे हेयर कट हो जाते हैं, और अगर आपको सेव करनी है तो सेव 300 रुपये में हो जाती है। मेरे लिए तो बहुत महंगा है, हम तो नॉर्मली इसमें कराते हैं तो 50-100 रुपये हमारा काम हो जाता है। तो बैकग्राउंड में आपको दिखाऊंगा पीछे का, ये आप देख सकते हैं कितने अच्छे से इसको डेकोरेट किया गया है। ये टैडी को चश्मा लगाया गया, वो इतना अच्छा लग रहा है। ये बैलून भी रखे गए यहाँ पे। तो ले चलते हैं आपको आगे, ये बुक्स वगैरह यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे हर प्रकार की बुक्स मिल जाती है, जैसे डिज्नी जॉन्स। ये पेन वगैरह देख सकते हैं आप यहाँ पे। लेकिन ये पैक किए गए हैं, मैं घुमा के दिखाता आपको, अगर ये पैक नहीं होते हैं। ये पेन देख सकते हैं, किताबें वगैरह देख सकते हैं, बहुत कुछ यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है। ये नॉवेल्स वगैरह देख सकते हैं आप, थिंग्स वी नेवर गॉट ओवर। ये कौन से लूसी स्कोर? ये नेहरू की बुक है, द डिबेट्स दैट डिफाइन इंडिया, जो हमारे पहले प्रधानमंत्री थे। ये जेफरी ऑर्चर एंड विविन, काफ़ी अच्छे लेखक हैं। तो आप क्या देख रहे हैं, कुछ बताएंगे हमें? गालिब की बुक निकाल के दिखाओ जरा वहाँ से। ये गालिब की बुक है, यहाँ पे उर्दू में लिखी गई है। एक शेर तो बनता है वैसे, मोटी हमको एक शेर सुनाएंगे। तो आपको यहाँ पे अलग अलग प्रकार की वैरायटी की बुक देखने को मिल सकती हैं, नॉवेल्स वगैरह देख सकते हैं। अर्ज क्या है? अर्जे नियाजे इश्क के काबिल नहीं रहा, जिस दिल पे नाज था मुझे वो दिल नहीं रहा। अर्जे नियाजे इश्क के काबिल नहीं रहा, जिस दिल पे नाज था मुझे वो दिल नहीं रहा। तो मैंने तो इतना ही सुना है आपको, इसके आगे आप बुक ले सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे रामायण भी आप देख सकते हैं, रामायण की बुक भी यहाँ पे उपलब्ध है। लेकिन ये है नई बुक, क्योंकि ये वेद प्रकाश शर्मा की है, सभी दीवाने दौलत की। तो इसमें क्या कुछ खास है वो दिखाते हैं आपको, इसके अंदर क्या कंटेंट है वो आपको दिखाते हैं। ये देखिए आप पहले, धोखा, ये है धोखा लालच और विनाश का तांडव, काफ़ी कुछ इस बुक में अंदर है। ये है आपकी नई बुक आई लव मनी, मतलब जिसको धन से प्यार होता है वो इस बुक को खरीद सकता है।
ये देख सकते हैं आप, पैसे का अंतिम लक्ष्य है। ये है रॉबिन शर्मा की बुक, फाइव क्लब, ये है 5 AM क्लब। अलग अलग वैरायटी की बुक यहाँ पे उपलब्ध है, और जैसे कि APJ अब्दुल कलाम जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति रह चुके थे, अब इस दुनिया में नहीं है, उनकी बुक है, अरुण तिवारी जी ने उनकी बुक लिखी है APJ अब्दुल कलाम पे। ये है जो पहला चैप्टर है इसका, आशा का स्वर्ग, और यहाँ से इसकी शुरुआत करते हैं। अगर आप बुक के शौकीन हैं, अगर आप बुक्स पढ़ने के शौकीन हैं, तो आप यहाँ से बुक खरीद सकते हैं। अलग अलग प्रकार की यहाँ पे बुक उपलब्ध हैं, कुछ इंग्लिश में भी हैं और कुछ हिंदी में भी हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। एक लाइब्रेरी वाली फीलिंग यहाँ पे महसूस हो रही है मुझे। तो बच्चों के खिलौने यहाँ पे उपलब्ध हैं, आप देख सकते हैं। और काफ़ी प्यारा म्यूजिक भी बैकग्राउंड के लिए लग रहा है। तो मेरे जो मेरे साथ आए थे वो लोग पता नहीं कहाँ, और उनको कांट नहीं आ रही, मैं उनको कांट हूँ यार ये लोग। तो दोस्तों आपको लेके चलते हैं गेमिंग जोन सेंट्रल मॉल। ये है टाइम जोन। तो दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं गेमिंग जोन में, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है गेम्स यहाँ पे, और यहाँ का प्राइस क्या है ये कैसा गेम। ये 3D गेम यहाँ पे देख सकते हैं आप, बच्चों के गेम यहाँ पे। तो आगे जाते हैं, देखते हैं आगे कितना खास है गेमिंग जोन। वैसे काफ़ी बड़ा गेमिंग जोन है, आप भीड़ देख सकते हैं, आने जाने के लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ रही है। ये बच्चों के गेम यहाँ पे, ये है बास्केटबॉल, यहाँ पे बैठने के लिए बनाया गया। तो अभी हमने पूछा कि ये कार्ड कितने का बनेगा, तो उन्होंने कहा कि 2000 का कार्ड बन रहा है, और उसमें आप गेम भी खेल सकते हैं। अगर कार्ड बनेगा तभी गेम खेल सकते हैं। गेमिंग जो है क्रिकेट पैसा वेलकम टू टाइम जोन। चलते हैं आगे, दिखाते हैं आपको। तो ट्रैक्टर है यहाँ पे, छोटी छोटी गाड़ियाँ हैं बच्चों के लिए यहाँ पे टाइम जोन। जिन लोगों को गेम का शौक है वो यहाँ पर गेम खेलने आ सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग हैं छोटे गेम। प्राइस कितना वैसे यहाँ का प्राइस आपको नहीं होता, अरे हमने गलत भाई से पूछ लिया है। सब प्रकार यहाँ पे इधर उधर ठोकर मारी जाती है, इसका मजा ही इसी में है। तो पूछते आगे देखा है, ये कौन सा ये है बॉलिंग गेम यहाँ पे। इसका कितना है? 300 रुपये। गाइस अभी हमने बॉलिंग का पूछा था, उन्होंने कहा था कि एक आदमी का 300 रुपये पड़ेगा, तो काफ़ी महंगा है, लेकिन खेलने में मजा भी है। ये है यहाँ पे चॉकलेट टॉफी वगैरह आप देख सकते हैं, यहाँ का देखना होगा कितना यहाँ का प्राइस है। ये बच्ची देख सकते हैं आप, चॉकलेट का इंतजार कर रही है। अब थोड़ा सा आगे दिखाते हैं आपको, ये बच्चों के गेम है यहाँ पे कितना। कैसा लगा? बहुत मजा।
मजा आया खेलने में। हमने लगभग 2000 रुपये काट लिया था और स्विमिंग काफ़ी अच्छा है, यहाँ का काफ़ी बड़ा है। और अभी हम आगे दिखाते हैं आपको कि आगे क्या क्या है, चलते हैं। बाइक का मजा ले रहे हैं यहाँ पे, बाइक गेमिंग का। तो दोस्तों अब हम जा रहे हैं वापिस, दिखाने को बहुत कुछ है यहाँ पे। ये मॉन्स्टर कार दे सकते हैं आप, इस 3D गेम है यार, इसका आपको एक्सपीरियंस रहेगा बहुत ही खतरनाक रहेगा। देख सकते हैं आप, अभी भी लोग आ रहे हैं मॉल में एंजॉय करने के लिए क्रिसमस के लिए। वैसे आज लोग चर्च में भी जाते हैं, वहाँ का ब्लॉग नहीं बना रहे, इस बार ब्लॉग बना रहे, नेक्स्ट टाइम आपको दिखाएंगे चर्च। ये बाहर का लोकेशन आप देख सकते हैं दोस्तों, सेंट्रियो का, कितना अच्छा प्यारा घर बनाया है। क्लाउस देख सकते हैं आप दोस्तों, कितना मस्त बनाया है इन्होंने। तो दोस्तों ये ब्लॉग कैसा लगा आपको? अगर ये ब्लॉग आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।